नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि CID और CBI में क्या अंतर होता है। अक्सर लोग इन दोनों को एक जैसा ही मान लेते हैं और एक ही संस्था या एक ही एजेंसी मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग-अलग है और आज हम इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर टीवी और न्यूज़पेपर में CID और CBI के बारे में सुनते हैं और तब हम सोचते हैं कि आखिर CID और CBI में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि CID और CBI भारत की दो अलग-अलग जांच एजेंसियां हैं, लेकिन इनके जांच के क्षेत्र भी अलग-अलग होते हैं। बता दें कि CID किसी प्रदेश में होने वाली घटनाओं की जाँच करती है और ये राज्य सरकार के अधीन या राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है। वहीं CBI पूरे देश में होने वाली घटनाओं की जाँच करती है और ये केंद्र सरकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करती है। CID होती क्या है एक्चुअल में? तो दोस्तों, CID का फुल फॉर्म है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसे अपराध जांच विभाग भी कहा जाता है। सी फॉर क्राइम, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, डी फॉर डिपार्टमेंट। CID एक खुफिया जांच एजेंसी है जो प्रदेश में होने वाली घटनाओं जैसे कि हत्या, दंगा, चोरी और अन्य अपराध की जाँच करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि CID की स्थापना पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी। CID में भर्ती होने से पहले पुलिस कर्मचारियों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इस संस्था को जांच सौंपने का अधिकार उस प्रदेश की राज्य सरकार और उस राज्य के हाई कोर्ट को होता है। अब हम आते हैं CBI पर। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसे हिंदी में केंद्रीय जाँच ब्यूरो कहा जाता है। सी फॉर सेंट्रल, बी फॉर ब्यूरो, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन। CBI या केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्र सरकार की एक एजेंसी है। बता दें कि CBI जांच एजेंसी की स्थापना साल 1941 में हुई थी, लेकिन इसे अप्रैल 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो का नाम दिया गया था। CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। CBI नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले क्राइम जैसे कि घोटालों, भ्रष्टाचार और हत्या के मामलों के अलावा राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की जांच भारत सरकार की ओर से करती है। CBI केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है, इसलिए राज्य सरकार CBI पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है और न ही किसी प्रकार का दबाव बना सकती है। इसके अलावा CBI की पावर और टीम दोनों CID से ज़्यादा ताकतवर और बड़ी भी होती है। इसी वजह से बड़े मामलों की जाँच ज़्यादातर CBI से कराई जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य में मामलों की जांच करने का ऑर्डर CBI को देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी भी राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI को ऑर्डर दे सकती है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। CID के जाँच दायरा सिर्फ राज्य तक सीमित होता है, मतलब ये राज्य में ही जाँच कर सकती है, जबकि CBI के जाँच का दायरा पूरे देश और विदेश तक होता है। CID को राज्य सरकार और हाई कोर्ट के द्वारा मामले सौंपे जाते हैं, जबकि CBI को केंद्र सरकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले सौंपे जाते हैं। CID किसी राज्य के अंदर रहकर हत्या, दंगे, चोरी और अपहरण जैसे आपराधिक मामलों की जांच करती है और वहीं CBI हत्या, घोटालों और धोखाधड़ी जैसे मामलों की जाँच नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर करती है। CID की स्थापना 1902 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी, जबकि CBI की स्थापना 1941 में की गई थी। CID में भर्ती होने के लिए राज्य सरकार द्वारा कराई जाने वाली पुलिस का एग्जाम पास करना होता है और उसके बाद अपराध विज्ञान की परीक्षा पास करनी पड़ती है। लेकिन CBI में जाने के लिए आपको SSC स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कराई जाने वाली एग्जाम को क्लियर करना होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने जाना कि CBI और CID में क्या अंतर होता है। आई होप दोस्तों कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।